Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist, as you know. Friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माजून मुगलिस हमदर्द का भी अवेलेबल है। ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक माजून है, ये जिसे हम लोग माजून मुगलिस के नाम से जानते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं, वो माजून मुगलिस उसमें जो जवाहर वाली थी स्पेशली, चूँकि उसमें जवाहर का इजाफा था, इस वजह से उसको माजून मुगलिस जवाहर वाला कहते थे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माजून मुगलिस सादा के बारे में। इसमें जवाहरात का इजाफा नहीं है, ऐसे ही इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से इसको हम माजून मुगलिस कहते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जिन लोगों में हाइड्रोस्पर्मिया की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लोग रिक्कत मनी कहते हैं यूनानी सिस्टम में, जो सीमन है उसमें पतलापन हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है वो, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं। स्पेशली बेनिफिट है इसका हाइड्रोस्पर्मिया में, रिक्कत मनी में जिन लोगों की ऐसी शिकायत होती है, तो उसका इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है माजून मुगलिस सादा का। हाइड्रोस्पर्मिया के साथ साथ जिन लोगों को इस तरह की परेशानी होती है, उनको जिरियान की शिकायत होती है, नाइटफॉल की शिकायत होती है जिसे अहतलाम कहते हैं, तो जिरियान, कसरत अहतलाम, इसी तरीके से जब ये चीज़ें होती हैं तो इसके साथ साथ उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पेशली इस तरह की परेशानी उनको डेवलप हो जाती है। तो इस तरह की अगर परेशानी हो तो माजून मुगलिस सादा का इस्तेमाल उनके लिए मुफीद साबित होगा, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून मुगलिस सादा की जो डोज़ है वो 10 ग्राम है, 10 ग्राम हल्के गुनगुने दूध के साथ सुबह शाम 10-10 ग्राम इस्तेमाल करना है, तो इसमें इंशाल्लाह उनको इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से जनरल वीकनेस, जो जनरल वीकनेस है, ज़ौफ़ आम जिसे कहते हैं यूनानी सिस्टम में, ज़ौफ़ आम में बहुत ज़्यादा इसका कसीरुल इस्तेमाल है, ज़ौफ़ आम में इस्तेमाल करते हैं तो इसके बेनिफिट मिलते हैं। ज़ौफ़ आम में भी चूँकि इस तरह की परेशानियाँ होती हैं, सेक्शुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो अगर हम माजून मुगलिस का इस्तेमाल करेंगे ज़ौफ़ आम में तो भी इंशाल्लाह उसको क़ुव्वत मिलेगी और ये परेशानी उसकी ख़त्म होगी। तो स्पेशली जिन लोगों को हाइड्रोस्पर्मिया की शिकायत हो, हाइड्रोस्पर्मिया की वजह से उनको जिरियान की शिकायत हो गई हो, नॉक्टर्नल इमेसेंस हो रहे हों उनको, जिसे हम कसरत अहतलाम कहते हैं, इसी तरीके से ख़ास फंक्शन इसका माजून मुगलिस का है वो ये है कि जिन लोगों को ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी ये मुफीद है। लेकिन साथ में जो हमारा स्पर्मोजेनिक है, कई वीडियोस में मैंने बताया है स्पर्मोजेनिक के बारे में, तो अगर स्पेशली आपको इस्तेमाल करना है माजून मुगलिस को ओलिगोस्पर्मिया के लिए, तो ओलिगोस्पर्मिया के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप स्पर्मोजेनिक का इजाफा ज़रूर करें और साथ में स्पर्मोजेनिक का भी इस्तेमाल करें। तो 2 ग्राम सुबह शाम स्पर्मोजेनिक पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल करें, और 10 ग्राम माजून मुगलिस सादा का भी इस्तेमाल करें साथ में। दोनों के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह जो हाइड्रोस्पर्मिया रिक्कत मनी है उसमें भी इफाका होगा, और साथ साथ में जो स्पर्म काउंट कम होंगे इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी विद इन 3 मंथ्स, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि 3 महीने में स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाते हैं, जो इस तरह की परेशानी होती है उसमें बिल्कुल इफाका हो जाता है। तो ओलिगोस्पर्मिया, इसी तरीके से एजोस्पर्मिया में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पर्मोजेनिक का। स्पर्मोजेनिक तो इसलिए अवेलेबल नहीं है, आपके एरिया में नहीं मिलेगी, तो जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा डिस्प्ले पर, उस पर आप व्हाट्सअप करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और 3 महीने का बायकोरियर स्पर्मोजेनिक आप मंगा सकते हो। माजून मुगलिस सादा तो या जवाहर वाली, ये दोनों इजीली अवेलेबल हैं, हमदर्द की भी अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, वो तो मिल जाएंगी। बाकी अगर और कोई आपको परेशानी है, कंसल्ट करना चाहते हो, तो जो नंबर है हमारा उस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके आप कंसल्ट भी कर सकते हो। तो ये डिस्कस किया आज की वीडियो में हमने, बताया आपको माजून मुगलिस सादा के बारे में, क्या क्या इसके इस्तेमाल हैं, क्या इसके नफ़े ख़ास हैं और किस कैसे इसका इस्तेमाल करना है, क्या डोज़ है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो थैंक यू वेरी मच, आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।